एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन कर्मचारियों द्वारा अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हुए कोरोना जैसी आपदा में अपनी जान जोखिम में डालकर जन सेवा करते हुए प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सरकार को आगे आकर इनके बारे में कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। इन कर्मचारियों की मांग है कि कल को जिस स्कीम के तहत ये लगे हैं इनमें इनकी नौकरी रहे या ना रहे, लेकिन सरकार को इस बारे गंभीरता से सोचना चाहिए। जो कर्मचारी आज कोरोना जैसी महामारी में अपने परिवार से अलग होकर कोरोना के मरीजों के बीच जाकर जो सेवा दे रहे हैं वो सराहनीय है। सरकार को भी इनकी नौकरी के बारे कुछ सोचना चाहिए। हिसार में एनएचएम के एम्बुलेंस ड्राइवर के पद पर अपनी ड्यूटी दे रहे बताया कि सरकार ने जो एनएचएम कर्मचारी है उनकी सैलरी दोगुना करने की बात कही थी, लेकिन उनका जमीर नहीं माना कि वो इस महामारी के वक्त ऐसा मंजूर करें, इसलिए उन्होंने दोगुना वेतन लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने सरकार के इस फैसले का स्वागत भी किया, लेकिन सरकार से उनकी यही मांग है कि उनके वेतन जो दो भागों में आता है उसे ही एक भाग में कर दिया जाए, साथ ही उनकी नौकरी की सुरक्षा की जाए। इसके साथ ही वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए और सातवां वेतन लागू किया जाए। क्या नाम सर आपका? सर मेरा नाम यूनस है। यूनस जी, किस प्रकार की मांगे हैं आपकी? सर मांगे हमारी है कि सरकार ने हमें 2018 में 25 लोग दिए थे, लेकिन आज कम से कम 2 साल बीत जाने के बावजूद भी उनमें जो संशोधन थे वो अब तक पूरे नहीं हो सके। बार बार सरकार के साथ समझौते में भी ये बात उसकी आई थी। सर समय समय पर हमारी मीटिंग होती रही, आज भी संशोधन की फाइल वहाँ की वहाँ पे है। आज इस कोरोना जैसी महामारी में जो पूरा एनएचएम स्टाफ आशा वर्कर सब लोग एक साथ फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, हमारे जो संशोधन की फाइल है वो अब तक पूरी नहीं कर पाई है सरकार। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे संशोधन करे जाएँ। सातवां वेतन आयोग का लाभ जो सबको मिल चुका है, लेकिन एनएचएम को अब तक नहीं मिला है। हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि हमें सातवां वेतन आयोग का लाभ दिया जाए और हमारे जो संशोधन जो वेतन विसंगतियाँ वो दूर की जाएँ। इसके साथ साथ हमारी तनख्वाह 2 हिस्सों में आती है, उनको 1 हिस्से में किया जाए और हमारी सेवा सुरक्षा लागू की जाए, क्योंकि आज हम यहाँ काम कर रहे हैं फ्रंट लाइन पे, लेकिन हमारे इसके काम करने के बावजूद भी हमारे लिए कोई सुरक्षा के नियम नहीं है। हो सकता है कि सरकार अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए, अगले साल हमें कॉन्ट्रैक्ट मिले ही ना। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें सेवा सुरक्षा दी जाए, हमारी वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए और सातवां वेतन आयोग लागू किया जाए। लेकिन सर अब हमें सिर्फ यही है कि हम तो जितनी जोखिमपूर्ण तरीके काम, आपको पता ही होगा बिल्कुल कि सरकार ने हमें दुगना वेतन देने के लिए सरकार ने हमें घोषणा की थी, लेकिन हमारे पूरे संगठन ने मना कर दिया था, क्योंकि सर हमारा संगठन राष्ट्रवादी संगठन है, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हमें ऐसे महामारी के समय में दुगना वेतन नहीं चाहिए। लेकिन सर जो हमें मिले वो सह सम्मान चाहिए, हमारी जो हमारी सेवा है उसको नियमित करें। जब तक नियमित नहीं कर सकते तब तक हमें सेवा सुरक्षा का लाभ दिया जाए कि हमें जॉब सिक्योरिटी दी जाए, हमारी वेतन की जो विसंगति हमें दूर की जाए और सातवां वेतन आयोग हमें दिया जाए। थैंक यू सर। मैं रोहतास एम्बुलेंस ड्राइवर हिसार से, और उसके अलावा एक ये है कि हमारे को दुगना वेतन देने की बात की गई वो तो हम ले ही नहीं रहे। इसके साथ ये है कि हमारे पीएम ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पीएम केयर फंड का जो एक चला के रखा था, उसके अलावा हमने उसमें भी समय समय पर हमारे सभी साथियों ने और खुद मैंने भी अपना योगदान जैसा भी बन पड़ा दिया है। और इस कोरोना की महामारी में लगभग 1 महीने से हम अपने यहीं हिसार में ठहरे हुए हैं और परिवार से दूर हैं, बच्चे भी मिलने के लिए तरस जाते हैं, मगर जब हम अपने भाइयों को परेशानी में देखते हैं तो वो सब कुछ भूलकर हम आगे आके अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं। बस इतना ही मांग रहे हैं कि हमें इस बात की चिंता ना रहे कि हमारी जॉब कल को रहेगी या नहीं रहेगी, ये एक मांग है हमारी, सरकार पूरी करे और हमें पूरी आशा है कि हमारी मांग पर विचार किया भी जाएगा। थैंक यू सर।